हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। काफी दिन से लेके एक्सट्रीम चीजें नहीं की थी ना, तो चलो आज थोड़ी सी एक्सट्रीम चीजें करते हैं, आप लोगों को एक्सट्रीम चीजें दिखाते हैं। ब्लॉग में तक बने रहो, ऐसे नहीं बताऊंगा, चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करते ना, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एंड मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है आज, इसको लेके मैं निकल चुका हूँ, मार्केट ऑफिस चलते हैं और वहाँ से ना जीजू को पिक करते हैं। बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। एंड एक और चीज, पिछले कल रात को धुंधी के पास ना लैंडस्लाइड हो गई और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, रात भर से लोग वहां पे फंसे हुए थे। बट अभी ऐसी न्यूज आ रही है, सुबह ना उसमें फेसबुक के पेज में भी डाल दिया था ये चीज कि रोड ब्लॉक्ड है, बट अभी कॉल करके मैंने कंफर्मेशन ली, वो कह रहे कि रोड थ्रू कर दिया है, बट ये है कि ट्रैफिक लग रहा है वहां पे, क्योंकि मनाली में ना क्राउड काफी ज्यादा आ गया है और मनाली ले नेशनल हाईवे है, वो ट्रकर्स वगैरह भी काफी चले होते हैं। बस ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को, और वही है। बाकी मौसम अच्छा है, खिड़की खुली रखी हुई है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, एसी की जरूरत नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चली। और मेरे घर वाले जो है मम्मी पापा, वो निकले हुए हैं कुल्लू। पापा बोलते हम लोगों ने कुल्लू जाना है, तो एक काम कर, जिप्सी की चाबी दे दे, जिप्सी ले जा रहे हैं। मैंने कहा पोलो ले जाओ, जिप्सी में क्यों अनकंफर्टेबली जाना है, बट उनको जिप्सी ही चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरे घर वालों को, भाई मेरे घर वालों को नहीं चाहिए होती है पोलो, वो जिप्सी में खुश है, उनको जिप्सी पसंद है। ज्यादातर आपने देखा होगा कभी हम कहीं जाते हैं ना, तो मैं पोलो चलाता हूँ, पापा ही जिप्सी चलाते हैं, क्योंकि पापा को पसंद है, पापा को पोलो चलाना पसंद नहीं है, पापा को जिप्सी चलाना पसंद है। इवन मेरी आमा एक ही चीज बोलती है, तुम लोग चाहे जितनी मर्जी महंगी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां ले आओ, जो मजा जिप्सी में बैठने का है ना, जिप्सी में ही है। बोला बुजुर्गों का मतलब, उस टाइम हमारे यहाँ पे होता ही था यार, पहले जिप्सियां ही चलती थी ज्यादा। और अभी मार्केट ऑफिस चलते हैं और फिर जीजू को पिक करते हैं। चलिए जी, फाइनली जीजू भी आ गए, हम लोग निकल रहे हैं और फ्यूल अप कर देते हैं, इसुजु को करते हैं फ्यूल अप। और जीजू ने तो अब जैकेट भी मंगा दी है, ठीक है, मैंने कहा जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीजू कह रहे जैकेट की जरूरत पड़ेगी, उसके उससे आपको अंदाजा हो गया हम कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब, जीजू ने जैकेट भी मंगा दी है, वैसे बता ही देता हूँ मैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं स्पीति की साइड को। थैंक यू। फोन कर दे ऊपर से ना उसको, यार चार्जर नहीं था अपने पास, बंटू भाई के पास रुक गए थे, अब ये सीट है वाला चार्जर ले लिया है। आगे जो लैंडस्लाइड हुई ना, उसके करके बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, और ये गूगल मैप में तो ऐसे टर्न करके ऊपर तक दिखा रहा है, और यहाँ से भी वो ऊपर टर्न है, वहाँ पे भी लाइन दिख रही है। अब यहाँ पे हम लोगों को लगने वाला असली टाइम, और आपको मैं बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे थे। अपनी ना बाइकें जो है वो क्लाइंट्स लेके गए हुए थे स्पीति को, बट उनकी तबीयत खराब हो गई है और उसकी वजह से उन्होंने बाइकें दोनों बाइकें ना वहीं पे छोड़ दिए, दो हिमालयंस है दोनों ने वहीं पे ड्रॉप कर दिया, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बैकअप व्हीकल, इस है ना आपको पता है बैकअप व्हीकल है, तो इसको लेके जा रहे हैं। वैसे तो प्लान यही है हमारा कि लोड करके लाएंगे हम दोनों बाइकें, बाकी तो वहां चल के ही देखते हैं क्या होता है, एक बार इस ट्रैफिक से तो निकल जाए। और ये ट्रैफिक भी लगा हुआ है लैंडस्लाइड करके, रास्ता बंद हुआ था ना पिछले कल, मेरे पास वीडियो तो है नहीं, फोटो है मेरे पास ना पिछले कल जो रास्ता ब्लॉक हुआ था, सुबह फोटो आई थी। तो ये ना पूरा ऐसे मतलब मलबे के साथ पेड़ गिर गया था, बोल तो रहे थे क्लियर कर दिया है, बट ट्रैफिक लगा हुआ है काफी लंबा। और मौसम बहुत अच्छा है यार, और टूरिस्ट आप खुद अंदाजा लगा दो कितने चले हुए हैं, मौसम देखो कितना बढ़िया है, ऐसे ट्रैफिक निकलता है ना लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, पता है इतनी स्पीड में ओवरटेक ले करके जा रहे हैं इनोवा वाला फालतू में, एक लैंडस्लाइड की वजह से देखो ना कितना ट्रैफिक है। अभी ऊपर वाली लाइन को आने दे रहे हैं ये, और उसके बाद हम लोगों को जाने देंगे, टाइम लगेगा लेकिन कम से कम एक दो घंटे तो जाएंगे यहाँ से। और अभी एक भाई ने इनको बुला के वालों को, कहते यहाँ से क्यों जा रहे हो, रोहतांग से होके जाओ, यहाँ नहीं खुलने वाला है, भाई लोग गाड़ी मोड़ रहे हैं। भाई सब ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी और सारे गाड़ियों से बाहर निकल गए हैं, लग नहीं रहा है ट्रैफिक इतनी जल्दी निकलने वाला है। इवन जो अभी एक पिकअप ट्रक वाला नीचे को गया सब्जी वाला, वो कहता जब आगे उन्होंने गाड़ी मोड़ी ना, उनको कह रहा था कहता रोहतांग से होके जाओ, ये ट्रैफिक नहीं खुलने वाला है। भाई की तो लानी है हमको यार किसी भी हालत में, वहाँ छोड़ी हुई है। हम लोगों को जाना है छत्रु, छत्रु पहुंचने में तो टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि रोड अब काफी ज्यादा अच्छे हो गए, लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया थे आते वक्त जब हम स्पीति टूर मार के, उस टाइम से भी ज्यादा अच्छे हो गए रोड। बट ये है कि एक बार इस ट्रैफिक से तो निकल जाए, थोड़ा थोड़ा करके खिसक रहा है ट्रैफिक ना, बट निकलेगा पता नहीं कितनी देर में। और एग्जैक्ट हम लोगों को ये भी नहीं पता है ना कि जो ये लैंडस्लाइड है कहाँ जैसे हुई है, हुई तो ऊपर मोड़ के पास ही कहीं होगी, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। और साथ में आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में सारी अपडेट आपको मिलेगी स्पीति वगैरह के बारे में। काफी लोग अगर प्लान कर रहे हैं चंद्रताल स्पीति का, तो सब चीजें बताऊंगा आपको मैं कि रोड कब तक खुले हैं, कैंप्स वहां पे कब तक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज के व्लॉग में आप लोगों को देने वाला हूं मैं। एक बार इस ट्रैफिक से तो निकल जाए, ये लो बस निकली, बस के पीछे पीछे आप देखना ट्रैफिक। बस निकली, बस के पीछे पीछे सारे चले हुए, और देखो
बेवकूफों की तरह चले होते हैं सारे। चलते चलते ना हम लोगों को दिख गया यहाँ पे रोहित, मैंने दूर से इसको इशारा कर दिया, मैं कहा यार एक मक्की कर दे। लोगों को क्या जल्दी लगी है भाई, यहाँ देखो लेफ्ट से भी राइट से भी, भाई रुक जाओ आराम से, लाइन निकल रही है, सबने जाना है। क्या उड़ के जाओगे, फ्लाइंग गियर लगाओगे क्या? मेरे आगे अगर कोई आता है ना मैं तो नहीं देता भाई घुसने, तुम अंदर घुस के दिखाओ। गाइस बढ़िया मक्की मिल गई खाने को, आहा कॉर्न्स, जिम वालों को खाने चाहिए, गुड। रोहित व्लॉग में नहीं आ रहा था, कहता नहीं नहीं मेरे को व्लॉग में मत लो बोला, मैंने कहा ठीक है, पता नहीं मना कर रहा था। कहाँ चले बस HRTC वाले, कहाँ चला हुआ है भाई, लाइन लगी हुई है। बॉयज ट्रैफिक लग गया, जो ओवरटेक लेके आए हुए थे ना, लग चुका है ट्रैफिक। यहाँ से भी गाड़ी आई है, पीछे से भी गाड़ी आ गई है, और अपनी बाइक भी आ गई है। देखो अपनी बाइक तो कैसे पहचानी जाती है, देखो VRM स्टिकर लगे हैं, सब बाइकों में ऐसे स्टिकर लगे हुए हैं। अगर मैं ऐसे सिनेमैटिक शॉट लूं क्या बढ़िया आएगा ना, देखो जीजू उतरे बाहर ना, यहाँ देखो पैसा ही पैसा। जीजू जब भी चलते हैं ना हमेशा पैसे गिरते हैं ऐसे, बता हमेशा। मैं जीजू को वही कह रहा हूँ, मैं कह जब भी आप चलते हो ना, कभी 200 का नोट, कभी 100 का नोट, कभी एक पॉकेट से एक सामान निकालते हैं, यहाँ से पैसे गिर रहे होते हैं। मैंने कहा थोड़ा संभाल के तो रखो भाई। पिछले 15-20 मिनट से लेके ट्रैफिक लग गया, जो ओवरटेक लेके सारे आए थे ना उनकी वजह से ट्रैफिक लगा। मैंने उतर के पीछे करवाया, सुन ही नहीं रहे थे बातें यार। अभी सिर्फ 3 गाड़ियां पीछे हुई, देखो ट्रैफिक थ्रू हो गया है, बड़ा गंदा फंस गया। इस हिसाब से ना हम लोगों को छतरू पहुंचते पहुंचते बाइक लाते, छतरू पहुंचते पहुंचते हम लोगों को अंधेरा हो जाएगा, जिस हिसाब से हम ट्रैफिक में अभी तक है। रोहतांग से होकर जाना चाहता हमको, व्यू भी इंजॉय कर लेते, आप लोगों को भी अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते, और अभी तक मेरे को लगता है हम रोहतांग से उतर के नीचे कोकसर पहुंचने वाले होते हैं। ऐसा लग रहा है आज ना ये सिर्फ ऊपर वाले ट्रैफिक को ही छोड़ने वाले है, और सारे बैक टू बैक ट्रकर्स चले हुए हैं। भाई साहब हम लोगों को भी छोड़ दो, हमने भी जाना है ऊपर यार। हम लोगों को छोड़ ही नहीं रहे तब से लेके बैठे हम लोग, सिर्फ ऊपर वाली जो लाइन है ना वो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक चली हुई है काफी देर से, तो हम ये जो ओवरटेक लेके आए इनके चक्कर में भी फंसे हुए थे। शुगर यार चल पड़ा, इतनी खुशी हुई है ना मैं बता नहीं सकता आपको। और अभी जैसे ट्रैफिक चला है ना, अगर पीछे पुलिस वाले नहीं बैठे होते ना, सारे ओवरटेक लेके ऐसे लाइन में आते। हाँ हाँ वो बैठे पीछे, तभी तो कोई नहीं आया। देखो ट्रक वाला पता नहीं क्या कर रहा है ट्रक ही स्टार्ट नहीं हो रहा था शायद से इसका। बाकी सब तो ठीक है, लैंडस्लाइड तो आगे हुई, लेकिन ये रोड क्यों बैठ गया पूरा नीचे, पूरा रोड बैठ गया, यहां से भी ये डंगा टूट गया है। व्हाट इज दिस, ये हुई है सामने लैंडस्लाइड, देखो बिजली का काम चला हुआ है भाई, बहुत तगड़ा आया हुआ है। ट्रक ना पत्थर में रगड़ के गए हुए है, और पूरा मलवा है, पूरा मलवा। हाँ और कुछ है, बिना बिन बरसात के आ गया है, बिन बरसात के। चलिए जी फाइनली ट्रैफिक से निकल गए हम लोग बाहर, दिमाग खराब हो गया था इस ट्रैफिक में। इस ड्राइविंग सीट चेंज हो गई है, थोड़ा सा काम करना है फोन पे ना, स्पॉन्सर वाला काम आ गया, थोड़ा सा जीरो चला लेंगे गाड़ी। लो जी जैसे हम इस साइड आए ना, इस साइड का वेदर कुछ इस तरह का है सिसु का। बस थोड़े दिन और पता है क्या होने वाला, आपको मैजिक दिखेगा जैसे हम टनल से इस साइड निकलेंगे, ये पूरा व्हाइट भाई, वो दिन दूर नहीं है आप लोगों को, बस स्नो राइड्स दिखने वाली है, जल्दी स्नो राइड्स दिखेगी आपको। ठंड कितनी है बाहर देखे, नहीं उतनी ठंड नहीं है, नहीं उतनी ठंड नहीं है सच में, वैसे चिल वाली ठंड नहीं है। बंदे देखो मास्क मुस्क लगा के बैठे हुए सारे। भाई जी आपने तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया है, सब्जियां लोड हो रही है यहाँ पे, सब्जियां लोड हो रही है। एंट्री हो चुकी है अपनी खोक्सर में, बीच में कभी यहाँ पे एंट्री करते हैं, कभी ऊपर एंट्री करते हैं, अभी इन्होंने यहीं पे चेक पोस्ट के पास एंट्री कर दी है, और जो अपनी एक बाइक ने एक यहाँ पे है, यहाँ पे छोड़ी एक बाइक उन्होंने। अभी हम कोकसर में रुक रहे हैं, पहले चतुर ही चलते हैं, वहां से जो अपनी दूसरी बाइक है ना वो उठाते हैं, पहले वो उठाएंगे आते होते इसको पिक करेंगे फिर, और थोड़ी देर में बस थोड़ी देर में यहाँ तो धूप चली गई है, थोड़ी देर में ना वो जो ऊपर ऊपर दिख रही है ये भी जाने वाली है। बाकी अभी हम लोगों को जाना है यहाँ से लेफ्ट। जी सर आप लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट एक साल हो गया, आए नहीं साथ ही लास्ट टाइम।
अच्छा वो उसके BMW लेके जाए 1200। अच्छा उसके बाद गए नहीं। अभी जीजू को बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे, देखना बहुत चेंजेस। रोड बिल्कुल बदल गया है। ये राव पर उतांग पास देखो फॉग कितनी सारी है। अगर हम ऊपर से होके आते ना फॉग के बीच में से निकलना पड़ता हमको, लेकिन व्यूज अल्टीमेट होते हैं। बाकी यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है इसीलिए ट्रकर्स वगैरह बहुत है, JCB हर जगह है। और इस 2 रुपए के कॉइन ने ना हमारा पूरा शीशा बचाया हुआ है। अच्छा हमने 2 का लगाया, 1 का लगाते ना छोटा पड़ जाता। काम चला हुआ आगे और इतनी तेज हवा है ना, मजेदार मतलब ठंडी हवा जो मेरे को मजा आ रहा है। एक चीज दिखाऊं, इतना बड़ा ट्रक ना, और यार देखो इतनी सी सूज, वैसे लग रहा है जंप करके सीधे पीछे घुस जाएगी। वाटर क्रॉसिंग सोच के अगर कोई इस टाइम आएगा ना उनको ऐसी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। देखो इतनी सी, ज्यादा बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स नहीं मिलती इस टाइम पे। वाटर क्रॉसिंग बढ़िया वाटर क्रॉसिंग। जीजू बोल रहे थे मैं उतार देता हूँ तेरे को, मैं कहा कोई चक्कर नहीं, इतने तो माउंटेनियर बंदे हैं हम। ये देखो इतने तो माउंटेनियर बंदे हैं हम यार, चलता इतने पानी से क्या डरना। गाइस ये रही अपनी बाइक, लेकिन एक चीज है जो क्लाइंट्स है ना वो जल्दी में इतनी जल्दी में निकलेगी, चाबी भी इसके साथ मिलेगी और इसका जो हैंडल है ना वो है लॉक्ड। प्रॉब्लम ये है कि इसको लोड कैसे करेंगे हैंडल लॉक में, देखते थोड़ी देर में पहले कुछ खा लेते ना फिर देखते। यार हम लोगों ने ना लंच नहीं किया था, जिम से आने के बाद घर गया थोड़ी सी डाइट ली, सीधे निकल गया, व्लॉग भी एडिट नहीं किया था, बाकी खाना खा लिया, एनर्जी आ गई पूरी ना। और इस टाइम ठंड है लेकिन उतनी भी नहीं है, मतलब ठंडी हवा अच्छी वाली चली हुई है, मजा आ रहा है काफी ज्यादा। बाकी अभी हैंडल लॉक है लेकिन करते हैं बाइक को लोड। जी उठा ले, ठंडा हो रहा है आपको? दो बंदे सूट रही है आपको, ठंडा हो रहा है? चलो 6:30 बजने वाले हैं, बाइक हम लोगों ने कर दी है लोड। हर बार चंडीगढ़ से लानी होती है ना बाइक, उस टाइम उतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि प्लेन रोड है, ठीक है, इसुजू के सस्पेंशन अच्छे हैं। लेकिन इस रोड में होने वाली है टेंशन क्योंकि ऑफ रोड पूरा ना ध्यान से चलना पड़ेगा हम लोगों को। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हैंडल किया हुआ इन लोगों ने लॉक, अगर हमारा हैंडल उस साइड को मुड़ा हुआ होता ना हमारा जो आगे वाला मडगार्ड है ये डैमेज नहीं होना था। अब यहाँ कपड़ा बिछाया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कुछ यार। बाकी हमने रैचेट भी लगा दिया, रैचेट से क्या हो गया है, रैचेट ने ना सीट को थोड़ा सा डाउन कर दिया, ठीक है, मतलब शॉकर दब गया नीचे को। और फ्रंट ब्रेक सबसे मेन आपको मैं दिखा देता हूँ, इन केस कभी आप लोगों ने बाइक लोड करनी होती है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी फ्रंट जो ब्रेक है उसको लॉक कर दो, जैसे मैंने बांध दिया देखो, उससे होगा कि टायर आपका घूमेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगी बाइक। और सीट दब चुकी है नीचे को, वैसे तो हमने अपने हिसाब से तो बांध दी है अच्छे से, बाकी निकलते हैं सर, मैं ही चलाने वाला हूँ बिल्कुल आराम से। और एक चीज बताता हूँ भाई, बिल्कुल ठंड नहीं हो रही यार, पता नहीं क्यों ठंडा हो गया, सब हर एक बंदे ने टोपी लगाई है, जैकेट लगाई है, बट मेरे को नहीं हो रहा। ये सच बताना, आपको ठंड लग रही है? अब नहीं लग रही लोड करने के बाद नहीं लग रही। चलो हम लोगों को ना फर्स्ट गियर में चलना पड़ रहा है बिल्कुल आराम से, क्योंकि ऑफ रोड है पूरा, अगर हिल गई ना बाइक फिर उतर के फिर बांधनी पड़ेगी। बाइक बांध ली हम लोगों ने फिर से एक बांधने के बाद 1 किलोमीटर चले हम लोग, लेकिन अब हमने ऐसी बांधी है ना 5 किलोमीटर बाद चेक करेंगे अब हम लोग। चलो अभी नहीं चेक करने वाले हम 5 किलोमीटर के, पहले हमने 1 किलोमीटर पे चेक किया 5 किलोमीटर के बाद, जहाँ हम लोगों को ग्रामफू पहुंचने में 1 घंटा लगना था वहाँ 2-2.5 घंटे लगेंगे। अभी रात के 8 बज गए और हम लोग चले जा रहे हैं। फर्स्ट गियर लगा हुआ है और पता है आराम से चले जा रहे हैं, अभी भी नहीं पहुंचे हम लोग। मेरे को लग रहा है हिसाब से हम घर पहुंचेंगे 10-11 बजे। और सही बात, कवर हमने सिर्फ 16 किलोमीटर ही करने थे, 16 किलोमीटर कवर करने में हमको इतना टाइम लग गया। और एक और चीज है, जैसे हम लोगों को तो चलो इन रोडों के ऐसे एडवेंचर की आदत है, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता, जो बेचारा फर्स्ट टाइम आ रहा है और बाइक पे यहाँ पे आ रहा है और वो ऐसे रात को फंस गया, उसके साथ क्या होगा, सोचने वाली बात है कि नहीं है? बड़ा मुश्किल है, कमेंट में बताओ किसी के साथ हुआ है ऐसा, कमेंट में बताओ। गाड़ी नहीं चढ़ी तो चलो आराम से, नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी क्यों नहीं चढ़ी यार, दिस टू लगी बैठ चढ़ेगी जी जोड़े चढ़ेगी, बस आराम से चल रही। दो फुल एक्सीडेंट जीजू, फुल एक्सीडेंट, क्यों गाड़ी को चलाने नहीं आ रही देखो, झटका लगेगा बाइक को पीछे अगर मैं झटका दिया, झटके को देना आराम से करना स्मूथली। नहीं हमारे पास 4x4 गियर है, मैं आराम से गियर 4x4 में चलूंगा यार। गाइस सही है कि नहीं, देखो जब आपका 4x4 गियर है और पीछे बाइक लोड है तो क्यों झटका देना, ना ऐसे आराम चलो चढ़ाइए खड़ी। फाइनली मेन रोड देख के इतनी खुशी हुई ना बता नहीं सकता हूँ आपको मैं,
फाइनली मेन रोड आ गया है यार। एक बात तो जीजू, किसी को परमिट नहीं है ना, हम स्पीति से आ रहे हैं ना, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लूंगा, किसको पता चलेगा है ना? वापसी में चेक कर सकते हैं ना? अच्छा हाँ, वापसी में चेक, गुलाबा में चेक होगा। सही बात, गुलाबा में भी चेक होगा, और अगर कोई बाइकर यहाँ से चला गया तो गुलाबा में चेक हो जाता है। सही बात है, ऐसी चीज नहीं करनी है। ठीक है, फाइनली हम लोग खोखसर पहुंच गए, और दूसरी जो अपनी बाइक है वो भी यहीं पे थी। तो अब ये काम करते हैं, यहाँ से ना अपनी बाइक हल्की सी टेढ़ी हुई है, बस ज्यादा नहीं, और रैचेट बांधा होता है, रैचेट को ओपन करते हैं और फिर बाइक चढ़ाते हैं। और यहाँ पे ईजी है चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है ना, इसे जो रिवर्स करके लगाऊंगा, डाला खोलेंगे, डाला ऑब्वियसली खुला ही है, और फिर बाइक चढ़ा देंगे। रैचेट ओपन करते पहले, मेहनत का काम है भाई, बहुत मेहनत लगती है। बाकी अभी बाइक हमने अब बांध दिया अच्छे से, क्योंकि दो बाइक है ना, दोनों कैरियर वाली है, बिल्कुल सेट बैठ गई है। और अब हमने डबल रैचेट बांधा हुआ है, फ्रंट में भी सीट के पास भी हमने रैचेट बांधा हुआ है, और साथ में हमने पीछे कैरियर, मतलब फ्रंट से पीछे कैरियर से लेकर डाउन कर दिया पूरी। पीछे से भी दब गई है बाइक, आगे से भी दब गई है, और साइड में लेफ्ट साइड से भी दो रस्सियां, राइट साइड से भी दो रस्सियां, कहीं नहीं जाने वाली है, आराम से चलेंगे हम। और गाइज आपको जो अपडेट है वो ऐसे ही दे देता हूं मैं। आज है 2nd of October, 2nd of October को जितने भी कैंप्स चंद्रताल में लगे हुए थे, सारे के सारे कैंप्स उठा दिए, वाइंड अप कर दिए वहां से। तो आप अगर आने का प्लान कर, मतलब जाने का प्लान कर रहे हो चंद्रताल साइड ना, उसे पहले ये दिखाता हूँ कि इतना बड़ा गड्ढा कर दिया रोड में। आप लोग अगर प्लान कर रहे हो चंद्रताल साइड जाने का, तो सोच समझ के करना, इतना बोलूंगा, चंद्रताल में आपको कैंप्स नहीं मिलने वाले हैं। चाचा चाची के ढाबे पे आप लोग स्टे कर सकते हो, वो शायद से ओपन है अभी, वहां पे बोल रहे थे वो लोग, जहां पे छतरों में हम थे ना ढाबे में, वो कहते वो सिर्फ वही ओपन है, वहां पे बेडिंग सिस्टम है उनके, उनके कैंप है। बट अगर आप प्लान करके चले हो कि आपको चंद्रताल में कैंप्स वगैरह मिलेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। और जहां तक मेरे को पता है ना, चंद्रताल का रोड भी शायद से बंद कर देंगे, ऐसे कह रहे थे वहां पे खोद के उसको बंद कर देंगे। वो कल के व्लॉग में आपको मैं कंफर्मेशन दूंगा, अभी तक मेरे को खुद को वो कंफर्म नहीं है कि वो ओपन रहेगा कि बंद रहेगा। बाकी कैंप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी है, मौसम से रिलेटेड भी देता हूँ कि मौसम ठीक है अभी, बर्फ नहीं है, बर्फ के कोई चांसेस अभी तक नहीं है, मौसम अच्छा है अभी। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना, तो ये चीजें ध्यान पे रख के करना, ठीक है? बिल्कुल सेफली हम लोगों ने बाइकें पहुंचा दी है ऑफिस। ये देखो, ये हमने ऐसी ऑलरेडी टेडी बांधी हुई थी, और ये सीधी लाई थी, और सीधी की सीधी है। बाकी ऑफिस पहुंच गए जल्दी से, बाइकें उतारते हैं, आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल के फ्लैश व्लॉग के साथ। ठीक है, थक गए भाई, ज्यादा बातें नहीं करूंगा।